कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस के बारे में, और हम यहाँ पे लेंस फार्मूला भी पढ़ेंगे। लेकिन आज का वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। और साथ में बच्चों, अभी हम इसके पहले भी हमने इस चैप्टर पे कई सारे जो वीडियोस बनाए हैं आप उनको भी देख सकते हैं। और आइए हम इसमें देखेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंस। इसमें देखिए, व्हाइल यूजिंग द लेंस फार्मूला वी मस्ट मेक यूज़ ऑफ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, और जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो उसमें आपको बिना साइन कन्वेंशन के आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में एक चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि आपको साइन कन्वेंशन की पूरी इन्फॉर्मेशन हो। तो उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है कि हमको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट हम रखते कहाँ पे हैं और किस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा जाता है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कैसे लेते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे लेते हैं। इन सब पॉइंट्स को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो आइए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि लेंस फार्मूला में हम किस तरीके से किस चीज़ को क्या लेंगे। ठीक है, मैंने आपको लेंस फार्मूला पहले पढ़ाया हुआ है, लेंस फार्मूला भी बताया है, ट्रिक भी बताई है और मिरर फार्मूला भी बताया है। ठीक है, तो दोनों के केस में हमने ट्रिक भी बताया है आपको। ठीक है, ट्रिक क्या था अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ। ट्रिक ये था कि मिरर का मैग्नीफिकेशन माइनस में होता है, यानी माइनस वी वाई यू होता है। तो लेंस का मैग्नीफिकेशन जस्ट इसका साइन चेंज हो जाएगा, सिर्फ वी वाई यू होगा। तो अब लेंस मिरर फार्मूला में जो इधर माइनस लग चुका, एक ही बार में हर एक को एक ही माइनस मिलता है, तो इसका माइनस ओवर हो चुका। तो अब लेंस फार्मूला में इसका मिरर फार्मूला में इसका प्लस हो जाएगा, वन अपान एफ इजकल टू वन अपान वी प्लस वन अपान यू हो जाएगा, क्योंकि मिरर को एक ही माइनस मिलता है, यहाँ पर यूज हो गया। लेंस को भी एक माइनस मिलेगा जो कि यहाँ नहीं यूज होना, क्योंकि मिरर का मैग्नीफिकेशन माइनस होता है तो इसका प्लस होगा, इसका प्लस होगा तो इसका माइनस हो जाएगा। तो जो लेंस फार्मूला होता है वो इस तरीके से हम लिखते हैं, वन अपान एफ इजक्वल टू वन अपान वी माइनस वन अपान यू। ए ट्रिक अगर आपको आती है तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और ये फार्मूला आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। बस इसके बाद हमको एक चीज़ जो ज़रूरी सीखनी है वो ये कि हम जो वैल्यूज़ रखेंगे वी और यू की, ए प्लस कब रखेंगे, माइनस कब रखेंगे। अच्छा, फोकस की वैल्यू जो है प्लस माइनस कब रखेंगे, मैंने बताया था आपको। फोकस की वैल्यू प्लस रखेंगे जब वैक्स लगा हो, चाहे मिरर हो चाहे लेंस, दोनों के केस में। लेकिन केव के केस में हम क्या लगाते हैं, माइनस, यानी कौन जब केव होगा तो केव के केस में हम लगाते हैं माइनस, चाहे मिरर हो चाहे लेंस, दोनों के केस में। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। जितने भी डिस्टेंस हम मेज़र करेंगे वो मेज़र किए जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, यानी यहाँ से मेज़र किए जाएंगे, चाहे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो, चाहे इमेज की डिस्टेंस हो, और हाइट भी। हाइट जब वाई एक्सिस पे हाइट मेज़र की जाती है तो जीरो यहाँ भी है, वाई का जीरो यहाँ भी है, तो रेफरेंस लेवल हम इजी को कहेंगे। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेज़र बाई टेकिंग ऑप्टिकल सेंटर एज अ रेफरेंस पॉइंट। द डिस्टेंस मेजर्ड इन सेम डायरेक्शन एज द इंसिडेंट लाइट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। यानी मिरर की केस के जैसे ही है कि इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन में अगर हम कोई चीज़ वैल्यू मेजर करेंगे तो पॉजिटिव मेजर करेंगे, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में अगर कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो निगेटिव। तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं तो लाइट इधर ट्रेवल करती है, तो इधर जो अगर हम इधर से इधर वैल्यू मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, और अगर हम यहाँ से यहाँ मेजर कर रहे हैं तो निगेटिव होगा। अच्छा ठीक है, हम यहाँ से यहाँ हैं क्यों, क्योंकि हमको मेज़र कहाँ से करना होता है, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट ए है। तो यहाँ से यहाँ अगर हमको ओ टू टू एफ वन मेज़र डिस्टेंस करनी है तो हम यहाँ से यहाँ नहीं करेंगे बल्कि यहाँ से यहाँ करेंगे, और जब यहाँ से यहाँ करेंगे तो ए अगेंस्ट द इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट लाइट इधर जा रही है और हम कहाँ से जहाँ से मेज़र कर रहे हैं यहाँ से यहाँ मेज़र कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस निगेटिव होगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगी, ठीक है। डिस्टेंस मेजर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे विल बी निगेटिव। हम अगर अपोजिट मेजर कर रहे हैं तो निगेटिव होगा, जो केस मैंने अभी आपको बताया था। हाइट मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन इज पॉजिटिव। यानी ऊपर के साइड अगर हाइट जा रही है और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। ये तो मिरर के केस में भी वही कॉन्सेप्ट है और यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है। यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव ही होगी,
और जो एच वन की वैल्यू है वो भी हमेशा ओ पॉजिटिव ही होगी, ठीक है, एच वन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। और वैक्स के केस में फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो पॉजिटिव होगा, और केव के केस में वो निगेटिव होगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना। तो दोनों ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये दोनों के केस में है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स, उसमें बस एक ही चीज़ चेंज होगा, फोकल लेंथ की जो कंडीशन है वही बस चेंज होंगी, उसके अलावा और कोई चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव, आपने इसको देख लिया, दिस इज कॉन्वेक्स और दिस इज कॉनकेव, बिकॉज दिस इज मेकिंग केव लाइक स्ट्रक्चर हियर फ्रॉम बोथ साइड, दिस इज वैक्स, दिस इज थिक एट मिडिल एंड थिन एट एजेस, ओके। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, जो मैं अभी आपको बता रहा था, कॉन्केव लेंस का निगेटिव होता है, फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज ऑलवेज निगेटिव, ये पहले भी था, कोई चेंज नहीं, डिस्टेंस ऑफ द रियल इमेज इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ वर्चुअल इमेज इज निगेटिव, सीधी सी बात है, जो वर्चुअल इमेज बनेगा वो दूसरे साइड बनेगा, ठीक है, सॉरी वर्चुअल इमेज जो बनेगा सेम साइड बनेगा, और जो रियल इमेज बनेगा वो दूसरे साइड बनेगा लेंस के केस में, और मिरर के केस में जस्ट उल्टा था, बस यही एक पॉइंट, ये पॉइंट थोड़ा सा डिफर करेगा कि मिरर के केस में सेम साइड रियल इमेज बनता था, लेकिन लेंस के केस में अपोजिट साइड रियल इमेज बनेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए द डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज इज पॉजिटिव, यहाँ सर ये पॉइंट था, डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज पॉजिटिव एंड वर्चुअल इमेज इज निगेटिव, ठीक है, ये नहीं था हमारा, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, सिर्फ ये पॉइंट था। तो हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द ऑब्जेक्ट हाइट एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो पहले भी था हमारा, ऑब्जेक्ट हाइट एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट एच डैश यानी इमेज की हाइट वर्चुअल की इरेक्ट होगी, इमेज इज पॉजिटिव, अगर सीधी इमेज खड़ी है तो, अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है तो इरेक्ट इमेज की हाइट, ये तो पहले भी था कि इमेज की हाइट अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो सीधी खड़ी होगी, सीधी होगी तो पॉजिटिव, एंड दैट ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज निगेटिव, रियल और इन्वर्टेड जो उल्टी इमेज बनेगी यानी इस तरीके की जो इमेज बनती हैं उनकी हाइट क्या होगी, निगेटिव होगी, ये पहले भी था, दिस इज सेम एज बिफोर। नेक्स्ट पॉइंट है द लीनियर मैग्निफिकेशन एम, यानी जो मैग्निफिकेशन एम है एच डैश बाई एच इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती है जब इमेज कैसी हो, वर्चुअल हो, वर्चुअल इमेज के केस में, और निगेटिव होती है रियल इमेज के केस में, निगेटिव होती है रियल इमेज के केस में, क्योंकि रियल इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा सीधा रखा जाएगा लेकिन जाके रियल इमेज उल्टी बन जाती है। तो जब हम रेशियो निकालते हैं एच टू बाई एच वन का, तो एच टू जो होता है निगेटिव वैल्यू हो जाती है और जो एच वन होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, तो ओवरऑल वैल्यू मैग्निफिकेशन जो है वो निगेटिव हो जाती है, दिस इज वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन हियर, ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। नाउ वी विल कम टू लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला की ट्रिक मैंने फिर से आपको बताई थी मिरर के केस में, जैसे कि आप याद रखेंगे मिरर और लेंस हमने पढ़ा पहले, मिरर और लेंस, मिरर का मैग्निफिकेशन माइनस होता है तो माइनस वी बाई यू, तो हर इसको भी एक माइनस मिलना, इसको भी एक माइनस, तो इसका मैग्निफिकेशन अब नहीं जाएगा, इसका जस्ट उल्टा होगा, मिरर का मैग्निफिकेशन माइनस है तो इसका नहीं होगा, लेंस का नहीं होगा, किसका, तो ये हो जाएगा वी बाई यू। तो और मिरर के केस में मिरर फार्मूला क्या होगा, मिरर फार्मूला होगा वन बाई एफ, इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं और यहाँ हम लिखते हैं मिरर फार्मूला जो होगा होगा वन बाई एफ, ऑलरेडी माइनस यूज कर चुका है तो अब यहाँ पे इसके लिए माइनस नहीं बचा, यहाँ पे बचेगा प्लस, ठीक है, और लेंस फार्मूला में माइनस नहीं यूज हुआ है तो वो यहाँ पे यूज होगा, वन अपॉन एफ इजकल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, एक आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा एक जो ट्रिक मैंने बताया था वीडियो में कि उदित सर विल ऑलवेज कम्स will always come in last, इसका मतलब यू
विल ऑलवेज कम इन लास्ट, यानी यू जो होगा वो हमेशा लास्ट में आएगा, चाहे मैग्नीफिकेशन हो चाहे लेंस या मिरर का फार्मूला हो, दोनों के केस में यू जो होगा वो हमेशा लास्ट में रखा जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं लास्ट में है, यहाँ भी लास्ट में है, और यहाँ भी ये जो फार्मूला उसमें भी लास्ट में है। और मैग्नीफिकेशन के फार्मूले में भी पहले वी आता है फिर यू आता है, दोनों केस में वी आता है फिर यू आता है। ओके, सो यू विल हैव टू रिमेंबर दिस ट्रिक, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक, एंड दिस इज़ मेड बाय माई सेल्फ, सो यू मे यूज़ इट। नाउ मैग्नीफिकेशन हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, पिछले मतलब जो वीडियोस हैं हमारे उनमें मैंने डिस्कस किया है। तो मैग्नीफिकेशन का ये यूनिवर्सल फार्मूला है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हेयर एच डैश इज हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, इमेज की हाइट है, ठीक है, और नीचे जो है एच ए ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। अच्छा, फिर से मैं रिवाइंड कर दूँ, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी सीधा खड़ा है और इमेज भी सीधी खड़ी है, और अगर इमेज सीधी खड़ी है तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर निगेटिव आई तो इसका क्या मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट तो सीधा खड़ा है लेकिन इमेज ने उल्टा डायरेक्शन ले लिया है, तो इमेज उल्टी बन गई है, ये मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है। और उल्टी चीज़ कैसी होगी, उल्टी चीज़ हमेशा रियल होगी, और सीधी चीज़ कैसी होगी, सीधी चीज़ हमेशा वर्चुअल होगी। बस इतना सा काम कॉन्सेप्ट को आसान कर देता है, ठीक है। अब कौन कौन से पॉइंट हमको रिमेंबर करने हैं, ठीक है। इफ़ द मैग्नीफिकेशन एम हैज पॉजिटिव वैल्यू, जो मैं अभी बता रहा था, द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया है। एंड इफ़ द मैग्नीफिकेशन ऑफ एम इज़ निगेटिव वैल्यू, द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, तो इमेज कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अ कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म वर्चुअल इमेज एज वेल एज रियल इमेज, कॉन्वेक्स के केस में दोनों बन सकते हैं, मैंने ऊपर केस डिस्कस किए हैं। देयरफॉर द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस कैन एदर बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉइंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। ए कॉन्वेक्स कैन फॉर्म इमेज विच आर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर भी बना सकती है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट भी बना सकती है, और बिगर देन ऑब्जेक्ट भी बना सकती है। देयरफॉर मैग्नीफिकेशन एम प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स कैन बी लेस देन वन, इक्वल टू वन, और मोर देन वन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ए कॉन्केव लेंस हाउएवर फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेज, सो द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी ये हमेशा सीधी इमेज बनाता है, जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा है तो इसका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है, कॉन्केव लेंस के केस में। तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल दिस पॉइंट्स विल बी यूज वाइल सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, ए कॉन्केव लेंस फॉर्म्स इमेज विच आर ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, कॉन्केव लेंस जो होता है वो हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट की, जो इमेज होता है उसकी हाइट जो होती है ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी होती है, सो द मैग्नीफिकेशन एम प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज लेस देन वन, इसलिए मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हमेशा लेस देन वन होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम कुछ वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करा के बताएंगे, ठीक है, और हम उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसी के बेसिस पे आप इन कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। फिलहाल आप इन जो ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप रिमेंबर करेंगे, और वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, सो यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस, एंड द एक्चुअल कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर व्हेन यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फार्मूलाज। ओके, सो अभी तक जो हमने पढ़ाया है उसमें आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि सबसे पहली चीज़ की जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो बात आपको अच्छे से ध्यान में रहनी चाहिए, फिर उसके बाद आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस पे, ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है ये आपको ध्यान में रखना है, दिस इज पॉजिटिव। ओके, ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू कैसी है, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव वैल्यू है। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, वॉल से 12 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, ठीक है, जो वॉल है दीवार से वो 12 सेंटीमीटर पर लेंस रखा है, तो हम इसको उल्टा अगर देखें कि दीवार लेंस से कितनी दूर पर रखी हुई है, ठीक है, तो ओके चलिए ठीक है, अभी देखते हैं हम 12 सेंटीमीटर वॉल पर रखी हुई है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस एन ऑब्जेक्ट वी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल, अच्छा चलिए ठीक है, ये वॉल है और रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस में क्या, चलिए यहाँ पे वॉल ले लेते हैं, ये वॉल है,
ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस इससे कितने दूरी पे रखा हुआ है, इससे रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, और यहाँ पे लेंस यहाँ पे हमने इस तरीके से रख दिया, ठीक है। अब इस पे पूछ रहा है कि यहाँ से कितनी दूर पर ऑब्जेक्ट रखें, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मान लीजिए सपोज हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इस वाले पार्ट को, ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं, 10 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है, तो हम यहाँ इसका प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन यहाँ पे बना लेते हैं 10 सेंटीमीटर, दिस इज फोकल लेंथ। हमको रियल इमेज बनानी है, तो रियल इमेज बनाने के लिए, अब इमेज बनानी है, अच्छी इमेज बनानी है, तो हम या तो फोकस या उसके बियॉन्ड फोकस हम इसको रखेंगे, ठीक है। और इसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, 10 सेंटीमीटर इधर है, तो इधर भी 10 सेंटीमीटर भी फोकल होगा, यानी हम ज़्यादा 10 सेंटीमीटर से आगे बना रहे हैं, यानी एफ़ के बाद में बनेगा, एफ वन के बाद बनेगा, ठीक है, एफ वन और टू एफ वन और टू एफ वन के बीच में इमेज बनेगी, तो यहाँ पर जो इमेज रखी हुई होगी वो होगी आप जो इमेज रखी होगी जस्ट टू एफ वन के बाद बनेगी, मतलब जब इमेज कहाँ पे रखी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ हो आप इसको देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एफ है और यहाँ पे टू एफ है, तो कौन से केस में इमेज एफ वन और टू एफ वन के बीच बनती है, क्योंकि अगर ये जो एफ की जो दूरी है अगर 10 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 10 सेंटीमीटर होगी और दीवार 12 सेंटीमीटर पे है और इमेज हमको 12 पे बनाना, तो वी की वैल्यू दी हुई है, वी की वैल्यू 12 दी हुई है, और ये जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस का साइड है, तो वी की वैल्यू प्लस 12 होगी, फोकल लेंथ की वैल्यू मिल गई प्लस 10, वी की वैल्यू मिल गई प्लस 12, अब यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे और वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी, तो वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी और माइनस वन अपॉन यू, तो हमको वन अपॉन यू चाहिए, तो यहाँ से मिलेगा वन अपॉन यू इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन एफ, वी की वैल्यू पॉजिटिव है वन अपॉन 12 माइनस एफ की वैल्यू भी पॉजिटिव है 1/10, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस 12, नहीं चलिए ठीक है हम इसको सॉल्व करते हैं 10 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 120, ये सॉल्व करने पे आएगा -2/120, तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1/60, दिस इज 1/u, तो अगर हम इस माइनस को नीचे ट्रांसफ़र करें तो u की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यहाँ से u की वैल्यू मिल जाएगी -60, u की वैल्यू मिल जाएगी -60। अब देखिए इस क्वेश्चन में u कहाँ पे आएगा, 10 यहाँ पे है, तो 2f1 की वैल्यू कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे 20 हो जाएगी, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, बियॉन्ड 2f होगा, बियॉन्ड 2f कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो निगेटिव आनी ही आनी थी, अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u की वैल्यू कभी पॉजिटिव आ जाओ तो समझ जाओ कि आपका न्यूमेरिकल गलत सॉल्व हुआ है, u की वैल्यू निगेटिव आनी थी, लेकिन कितनी आनी थी, एक चीज़ तो श्योर थी कि 20 के बाद ही, क्योंकि जो इमेज बन रहा है वो f1 और 2f1 के बीच में बन रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको इस तरीके से समझ में आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ उसी तरीके से, इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, तो हाइट दिया हुआ है, दिस इज h1, दिस विल बी पॉजिटिव वैल्यू, एट अ डिस्टेंस दिस विल बी निगेटिव वैल्यू बिकॉज दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये माइनस वैल्यू होगी, ठीक है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव होगा, फाइंड द पोजिशन नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज, तो यहाँ से आप लेंस फार्मूला मैग्नीफिकेशन फार्मूला लगा के आप पूरा उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसे सॉल्व कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें किसी भी क्वेश्चन में जिसमें आपको प्रॉब्लम जा रही है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए, दिस इज 24 9424 56 3824, ओके। और अगर ये वीडियो और कॉन्सेप्ट और ट्रिक अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो प्रॉब्लम फेस करते हैं इस चैप्टर को पढ़ने समझने में, लेंस फार्मूला जिनको याद नहीं होता उनके साथ शेयर भी करिएगा, और
उनको कहिएगा कि हमारे चैनल से जुड़ें, जिससे उनको रेगुलर अपडेट प्राप्त होते रहें, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपनी प्रॉब्लम हमें ज़रूर पूछिएगा और कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा।